नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, आज एक बहुत ही कॉमन शब्द को लेकर हम आवाम के बीच में जा रहे हैं, और वो शब्द है भ्रष्टाचार, करप्शन। जी हाँ, ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसका वास्ता इन दो शब्दों से ना पड़ा हो। बहुत ही रेयर ऐसा कोई इंसान होगा जिसने इन शब्दों के बारे में ना सुना हो, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाना है तो आपकी चप्पलें ज़रूर घिस जाएंगी। अब ये कहावत कई जगह पे फिट भी बैठती है और कई जगह पे बहुत आसानी से आपके काम हो भी जाते हैं, लेकिन करप्शन तो ज़रूर है और उसको कम करने की, उसको ख़त्म करने की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन आज का जो मकसद है वो CBI से जुड़ा हुआ है। CBI ने कल 150 जगहों पर अलग अलग विभागों में छापेमारी की, चाहे वो मेडिकल था या स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग थे, फूड से जुड़े हुए विभाग थे, ऐसे ही तमाम विभागों में छापेमारी की गई। आज आवाम के बीच निकलेंगे जनाब और जानेंगे उनकी ज़िंदगी में हुए तजुर्बों को लेकर, जानेंगे कि आखिर करप्शन के बारे में वो किस तरीके से सीरियसली सोचते हैं और CBI की ये जो कार्रवाई की गई है उनके लिहाजे से कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी और ऐसी कार्रवाई और कितनी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो चलिए जनाब, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, आम लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। तो जनाब, आज करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं। करप्शन एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा नाम है जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़िंदगी में किरदार ज़रूर निभाया है। कुछ किरदार इस तरीके के जिसने चप्पलें घिसाने की कहावत को सच कर दिखाया है, और कुछ किरदार ऐसे कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत पैसा देके छूट जाने वाली बात सामने आती है। लेकिन कुछ नौजवान हैं मेरे साथ, उनसे मैं बात करूँगा और उनके तजुर्बे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ कभी ऐसा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अंकित मित्तल है और मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। अंकित, और आपका नाम सर? मेरा नाम अमन है और मैं आगरा में रहता हूँ, एंड आई वर्क इन टू एंड पावर। ओके, आप आगरा के हैं, तो शुरुआत मैं आपसे ही करता हूँ। तो क्या कभी आपने ये करप्शन के साथ आपका सामना हुआ, कभी भिड़ंत हुई? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई ऐसे। बहुत लकी हैं। आपका कभी मतलब करप्शन के साथ? मुझे नहीं लगता है कि किसी इंडियन में कोई होगा जिसकी भिड़ंत ना हुई हो, लेकिन एग्जाम्पल साथ में मतलब नहीं, लेकिन हम एक्चुअली इतने यूज टू हो चुके हैं, हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल है, तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम उस चीज़ को नॉर्मल मानने लग गए हैं कि जो गलत है, तो वो करप्शन है, लेकिन हम ध्यान भी नहीं देते। अब मैं जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा कभी हुआ है, लेकिन हुआ है मेरे साथ कई बार हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा था, या फिर कोई भी जो ऐसी डॉक्यूमेंट कोई भी अगर आपको निकलवाना हो जो आपकी तहसील से निकलता है या फिर वहाँ से निकलता है, तो वो एकदम तुरंत उसके लिए सिस्टम नहीं है कि तुरंत आपको मिल जाए, उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब वो उसका सेंस यही है, या तो आप 4 चक्कर लगा के 5 चक्कर लगा के एफर्ट करके ले लो, या एक ही बार में 100-200-500 पकड़ा के ले लो। तो इस तरीके से ये करप्शन है। ये करप्शन तो ज़रूर है जनाब, और कहीं ना कहीं आम लोग जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, क्योंकि वही पैसे देते हैं, वही सोचते हैं कि जल्दी काम हो जाए मेरा, मुझे लाइन में ना लगना पड़े, मुझे ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े, खड़ा ना रहना पड़े, और वो पैसे देके निकल जाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम मतलब हम ही लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है और वो ट्रेंड अब इतना वो हो गया कि अब हम 100-200 रुपये लेके हमें लगता है जल्दी काम हो जाए, हमारा टाइम बच जाए, तो हमारे लिए एक सुविधा बन गया मतलब, इसलिए हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मतलब इतना ध्यान भी नहीं देते कि वो करप्शन है एक्चुअली में। चीज़ है कि अब जनाब कहते हैं कि ध्यान भी नहीं रहता कि वो सच में करप्शन है या नहीं है, तो क्या लगता है कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? जी, करप्शन की शुरुआत मेरे हिसाब से एक तो सोशल मेंटेलिटी जो हमारी बन गई है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको गलत ही नहीं मान रहे। तो जब तक हम उस चीज़ को गलत नहीं मानेंगे तो हम उसी एक कोऑर्डिनेटेड मास मेंटेलिटी में चल रहे हैं कि ये तो सभी कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। लेकिन ये शायद समाज की एक प्रॉब्लम बन चुका है, ये बेसिकली बड़े लेवल पे, जो अगर आप बड़े डेली लुटेंस डेली के हिसाब से देखो तो एक बड़े लेवल पे है, बड़ी डील्स में है, हर एक चीज़ पे है, और छोटी हमारे जीवन में भी ये इतने उतर चुका है करप्शन छोटे छोटे स्तर पे कि हम इसको एक नॉर्मल बिहेवियर में ले चुके हैं। लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम डेली ये मान के चलें कि कोई भी काम करना है हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ में ये सोचें कि नहीं, मुझे किसी को एक भी पैसा नहीं देना, भले ही मुझे 2-4 चक्कर ज़्यादा लगाने पड़े, अगर ऐसा ही एक बल्क ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल की धीरे धीरे अगर ये माइंडसेट जनरेट हो जाए, तो मुझे लगता है कि आगे चल के जो हमारी आने वाली जनरेशन है, या हम भी अभी मतलब जस्ट कॉलेज से निकले हैं, तो आने वाले 10-15 सालों में एक कंट्री में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम इस चीज़ को नॉर्मल नहीं मानेंगे और एक अच्छा लेस करप्टेड या फिर नो करप्शन वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम खुद शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक वो होता है ना कि शुरुआत कैसे हो, वो कभी सोचा है आपने कि आखिर
ये जो करप्शन है, हम बहुत आराम से कह देते हैं कि भैया भ्रष्टाचार बहुत है देश में, करप्शन बहुत है, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे ऑफिसेज में भी जाके अगर काम करवाना है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ख़त्म कैसे होगा, शुरुआत कैसे हो सकती है? एक तो तरीका उन्होंने बताया, आपको क्या लगता है? शुरुआत एज ए इंडिविजुअल मुझे ही करनी होगी। मैं कोई अगर कहीं जा रहा हूँ तो मतलब अगर इनिशियली एफर्ट्स लगेंगे वो लगाने पड़ेंगे, हर किसी को लगाने पड़ेंगे और हर बंदे को अपने अंदर ही इंडिविजुअली चेंजेस आने पड़ेंगे कि मैं एफर्ट्स लगा, चलो ठीक है मैं अभी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, पर बाद में फिर वो एक ऐसा ही बन जाएगा कि फिर वो करप्शन खत्म हो जाएगा। वो एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब कुछ इनिशियली इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोगों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे करप्शन खत्म करने के लिए, तभी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बस गवर्नमेंट से उम्मीद करते रहे, हम कुछ ना करें, हम बस बैठे रहे आइडियली, हम 100 रुपये दे दें, 50 रुपये दे दें, 500 रुपये दे दें और गवर्नमेंट से उम्मीद करते रहे वो करप्शन खत्म करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। वो हमें भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मतलब आई थिंक मोदी इज डूइंग गुड बट वी हैव टू डू समथिंग, हमें भी कुछ करने की जरूरत है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कल CBI ने 150 जगह पे छापेमारी की और कहा जा रहा है कि ये अभियान कई और जगह कई और दिनों तक चलेगा। क्या लगता है कि कितना बेहतरीन कदम था कि कई ऐसे दफ्तरों पे छापेमारी हुई जहां पर आम लोगों का आना जाना रहता है, जहां पर कई बार शिकायतें भी शायद सामने आई कि यहां पर करप्शन की कुछ शिकायतें लोगों ने की, तो इस तरीके की छापेमारी 150 जगहों पर एक साथ CBI की होना कितनी ज़रूरी मानते हैं और आगे भी कितनी ज़रूरत इसकी पड़ने वाली है ये आपको लगता है? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कदम है ये सरकार का, और मतलब इस तरीके से अगर आप एक डर पैदा होगा लोगों में जो भ्रष्टाचार करते हैं तो एक अच्छी शुरुआत होगी, लोग उससे बचेंगे। अभी CBI ने 150 जगह छापेमारी की, उससे पहले भी आपने देखा होगा 25-30 IRS ऑफिसर्स को एक साथ सस्पेंड किया गया, तो जो इतनी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हैं, इतना अच्छा एग्जाम निकाल के UPSC IRS बन के आए हैं, वो इस बड़े लेवल पर इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं, तो अगर उनको ये एक बार सिस्टम में डर पैदा हो जाएगा जो बड़े लेवल पर हैं, जो खुद करप्शन करते हैं और साथ में बड़े से आदमी सीखता है, अगर बड़ा ऑफिसर करप्शन कर रहा है तो छोटे वाले क्लर्क बाबू भी करप्शन करेंगे, नीचे वाले भी करेंगे। अगर बड़ा ऑफिसर किसी ऑफिस में आता है वो स्ट्रिक्टनेस दिखाता है तो नीचे वाले भी धीरे धीरे कम हो जाएगा वो, तो इस तरीके से फ्लो अगर कम होगा, उस डर से पैदा कम होगा, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से CBI का इसमें यूज हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है, मैं इसको अच्छा कदम मान लूँगा। अगर अभी एक शुरुआत तो ज़रूर करनी होगी जनाब, दोनों तरीके से शुरुआत होनी ज़रूरी है और दोनों तरफ से शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जहां पर CBI एक्शन ले रही है, जहां पर कहा जाए कि मोदी के इन्फ्लुएंस में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्शंस लिए गए और 150 जगहों पर छापेमारी की गई, दूसरी ओर हर एक इंडिविजुअल को खुद इनिशिएटिव करना होगा और कहीं ना कहीं एक शुरुआत ज़रूर करनी होगी कि थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर झेल लें और पैसे को ना बोलें, यानी कि किसी भी कर्मचारी को काम करवाने के लिए पैसे ना दें, तो ज़रूर हालात सुधरेंगे, सिचुएशन बदलेगी और वक्त जो है आने वाले समय में बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और नौजवान हैं, कुछ और लोग हैं जो आप तक अपनी राय पहुँचाना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं, CBI को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 150 जगहों पर छापेमारी हुई और आम लोग चाहे वो किसी भी तबके से हों, उन्होंने कभी ना कभी करप्शन का सामना ज़रूर किया होता है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के बाद पैसे देकर छूटना हो, या फिर किसी ऑफिस में जाकर अपना काम करवाना, या फिर काम ना हो पाने पर पैसे देकर वो काम करवाने की चाहे सिचुएशन आई हो, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर आज हम निकले हैं। कुछ नौजवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं। आपका नाम जानो। रमनदीप। रमनदीप कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से रमनदीप, चंडीगढ़। आप? मैं नाभा से हूँ, आई एम वर्किंग इन चंडीगढ़। क्या नाम है सर? विक्रांत शर्मा। ओके विक्रांत जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानता हूँ कि अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, कुछ साल इन द सेंस कि जब आप जवानी के टाइम, आप भी जवान हैं माशाल्लाह, जब कॉलेज टाइम के आप थे, स्कूल टाइम के आप थे, तब आप करप्शन को किस भाषा में परिभाषित करते थे और आज के टाइम में करप्शन कितने मायने में बढ़ा है या कम हुआ है? मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तब इतना मैं सोचता था कि हाई लेवल पे करप्शन ही है, लेकिन आज जैसे जैसे एडवांस हो रहा है टाइम, तो आजकल करप्शन हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक उस टाइम तो ऐसा होता था कि हाँ किसी को पता भी नहीं था कि हाँ ठीक है पैसे ले लिए काम हो गया, आजकल ओपनली हो गया है, बिग सिटीज़ में भी ओपनली है कि हाँ यहाँ पर इतने पैसे चलते हैं तो फिर इतना ऐसे काम होगा। लाइक अगर किसी ने चलान के लिए रोक लिया तो पुलिस वालों को खुद ही पैसे दे देता है बंदा कि हाँ चलो ठीक है इतने मान लिया। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ एक बार हुआ था, लाइक मुझे रोक लिया था हेलमेट की वजह से, तो मैंने एक बार बोला था कि हाँ सर यहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है जी इतने रुपए लगेंगे। तो ये डिफरेंस आ गया है, अब तो एक्सपेक्टेड ही है कि हाँ कोई ये सोचता नहीं है कि हाँ हमें रोक लेंगे, ये सोचते हैं कि वहाँ पे इतने रुपए देंगे छूट देंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? आजकल तो डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन हो चुके हैं, आप जस्ट आप आधार कार्ड की डिटेल्स डालो या लाइसेंस नंबर डालो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिव्यू हो सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी है कि मतलब
सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं बाय चांस आरसी कोई बंदा घर पे भूल जाता है इन द कोई लगा लो कि जल्दबाजी में या कुछ भी, तो मतलब ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिस्टम में किस लिए बनाया, इसीलिए बनाया। और आजकल के थानों में जो है FIR जल्दी जल्दी आप बोलोगे कि थाने ऑनलाइन हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं हुए ऑनलाइन। मैं ये बात सरेआम बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आप आज FIR करवाते हो ना कुछ कोई भी, और आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में वो बिल्कुल ऑनलाइन दिखेगी भी नहीं, और आपको इवन उसकी स्टेटमेंट तक भी नहीं मिलेगी। तो अब इस चीज़ को एक रेज करना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे कि ऑनलाइन जिस तरीके से जनाब ने कहा कि थानों में कार्रवाई नहीं हुई हो चुके हैं, नेम के ऑनलाइन हैं थाने, नो डाउट हैं ऑनलाइन थाने। अगर आपको कुछ ओपन करोगे ऑनलाइन, कुछ डिटेल्स देखोगे तो हैं। अगर आप करंटली कोई रिसेंटली FIR वगैरह कुछ चेक करोगे तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, इवन फॉर द वीक बिल्कुल भी नहीं है। So, क्या कभी आपने किसी करप्शन को ऑब्जर्व किया है, कभी देखा है आपके दोस्त में या आपने कभी इस चीज़ को देखा? तो बहुत ऑब्जर्व तो बहुत करी है, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अभी तक तो नहीं है करप्शन के रिलेटेड। CBI ने कल 150 जगहों पर छापेमारी की और सभी जो विभाग थे वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, जहाँ पर लोगों को काम पड़ता है और जहाँ पर शिकायतें आ रही थी। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में इस तरीके की छापेमारी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? आज के टाइम में तो इस तरीके की छापेमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई फील कि जब से BJP आई है तब से ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और तब से ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है इसमें करप्शन में। पहले तो बहुत ज़्यादा था कांग्रेस के टाइम पे जैसे निकल के आ रहा है कि हाँ यहाँ पे इतने का घपला हुआ, इतने का घपला हुआ, और आजकल तो इतना मुझे लगता नहीं है कि जब BJP है तो कोई ज़्यादा इसमें करप्शन इंक्रीज़ होगी। एक इंस्टेंस है वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड था और उसकी सिस्टर ने कोई होम वायलेंस की रिपोर्ट करवाई थी। जब वो पहुँच उसकी सिस्टर जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, जब वो उसका ब्रदर गया स्टेज फुल पुलिस स्टेशन में, उसने कंप्लेंट लिखवाई, उसने बोला कि आप अभी चलो स्टेटमेंट ले लो। उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम कल तक आ जाएंगे, लेकिन उसने 500 रुपये निकाल के उनको दिए, वो साथ के साथ जाके उन्होंने स्टेटमेंट ले ली। तो ये डिफरेंस है पुलिस जगह, पुलिस थानों में आप अगर चले भी जाओगे, कोई कंप्लेंट है मान लो कोई हाउसवाइफ्स की कंप्लेंट है, कोई ऐसा वायलेंस है, तो वो पैसे तो हम पे एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे अगर उन्होंने इंस्टेंटली एक्शन लेना है, नहीं तो फिर वो डिले या 7 to 10 days का डिले ऑब्वियसली हो जाती है। यानी उस मेंटालिटी को बदलने की ज़रूरत है और इसी तरीके की छापेमारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो सिचुएशन है वो सुधर सके और आम लोग अगर सरकारी दफ्तरों में जाएँ तो उन्हें ये ना सोच के जाना पड़े कि वहाँ पर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे या फिर उन्हें चक्कर काटने पड़ेंगे। एक जो एक मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी दफ्तर में जाकर काम करवाना है मतलब अपनी चप्पलें घिसने वाला है, वो मानसिकता ज़रूर बदलने की ज़रूरत है और शायद वो इसी तरीके की छापेमारियों से बदल भी सके। उम्मीद तो यही है, आने वाला वक्त भी बताएगा कि आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए जनाब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ ऐसे ही होनहार नौजवानों से मुलाकात करेंगे, अपनी आवाम से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस करप्शन के बारे में वो क्या सोचते हैं और इसके सुधार के लिए वो किन कदमों की इच्छा रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जनाब बात हो रही है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो कुछ तजुर्बेकार लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने ज़िंदगी के कई फ़लसफ़ों को जिया है और ज़िंदगी में आने वाले हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही शानदार तरीके से झेलते हुए आगे बढ़े हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो करप्शन है, ये जो जितना भी भ्रष्टाचार आज समाज में है, खासकर बात की जाए एक जो इमेज बनी हुई है सरकारी दफ्तरों की, उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। तो जनाब शुरुआत आप सबसे करूँगा, मैं आपका नाम जानूँगा सर सबसे पहले। राम शर्मा जी सर कहाँ के हैं? मैं रहने वाला तो हिसार डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन यहाँ पे बैंक कॉलोनी में रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो एक भ्रष्टाचार शब्द है, क्या लगता है कि कौन सी संस्थाओं को ज़्यादा फिट बैठता है, सरकारी या प्राइवेट को? देखिए ज़्यादा तो सरकारी में ज़्यादा है, प्राइवेटों में भी है फिलहाल, लेकिन सरकारी में ज़्यादा है। क्या लगता है कि सरकारी में क्यों इतना, क्योंकि सुविधाएँ सरकारी ऑफिसर को अच्छी खासी मिल जाती हैं, सैलरी मिल जाती, पर फिर भी नीत नहीं बरती ना उनके, उनको चाहिए मसाला शाम के लिए। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरीके से CBI की 150 जगह में पहली बार इतनी बड़ी छापेमारी हुई और कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन और ये छापेमारी चलेगी, तो कितना बेहतर कदम मानते हैं और कितनी ज़रूरत मानते हैं? ज़रूरत तो इससे भी ज़्यादा है, अच्छा कदम है। और भ्रष्टाचार अभी हाई लेवल पर है, छोटे लेवल पर ख़त्म होता जा रहा है। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि आपने कहीं पर देखा हो भ्रष्टाचार होता हो और आपको लगा हो कि इसे रोकना ज़रूरी है? नहीं देखा नहीं, हमने सुना है। सबसे ज़्यादा तो जो तहसील में काम होते हैं, तहसील तो सारी भ्रष्ट है, और बिजली बोर्ड है, ये तो सभी भ्रष्ट है।
बोर्ड क्यों भ्रष्ट है और तहसील क्यों भ्रष्ट? बिजली बोर्ड पे आप कंप्लेंट करोगे, एक फ्यूज भी लगवाओगे ना, और जब भी वो लाइनमैन है वहाँ का, वो पैसे का लालच करेगा। और दूसरी बात ये, चोरी वे खुद कराते हैं, डोरी लगवाते हैं, महीना लेते हैं, जिसका मीटर भी नहीं है वे भी गाँव में तो चोरी करते हैं। तहसीलदार? अच्छा। तहसीलदार है, उनका परसेंटेज होता है। अच्छा। परसेंटेज बगैर काम नहीं करते। परसेंटेज कौन लेता उनकी? ना उनका क्लर्क लेता, ना वे लेते, उनकी परसेंटेज लेता है जो टाइपिस्ट करता है, वो अर्जन नविश जो रजिस्ट्री करता है। तो जनाब ने ये दो तजुर्बे आपने बताया कि इनको कौन भ्रष्ट लगते हैं। सर आपका नाम जानूंगा? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, कुलदीप जी क्या करते थे आप? मैं सिविल हॉस्पिटल में रिटायर हूँ, टीओ के, ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज। ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज, ओके। तो सर सबसे पहले आपसे ये जानूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके के कदमों की और ज़रूरत है? हाँ, अभी बहुत ज़रूरत है, पर पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है जब से ये मोदी सरकार आई है या हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए हैं। तो ये खुद अब भ्रष्ट नहीं है, जब ऊपर से भ्रष्टाचार जब ख़त्म होगा तो नीचे से अपने आप वो सफाई होगी। अब काफ़ी ऑफिसर पहले से डरते भी हैं, पहले से अब तहसीलों में है सारा ई सिस्टम जो हो गया, सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब कुछ, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा वहाँ। सारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली होता है, लाइसेंस बनवाना हो, रजिस्ट्रेशन करानी हो, गाड़ियों को कराना हो, बिना पैसे के होता है, बिना एजेंट्स के होता है। सारे दफ्तरों में अब सारा जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिकली हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा भी ज़रूरत है, वो हो जाएगा। अब थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो लगेगा। अगर यही गवर्नमेंट रही, ऐसे ही लोग आगे आए जैसे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं, जब आप जॉब में थे या फिर आपके जवानी के टाइम में, तब ये करप्शन के क्या सिचुएशन थी, वो कैसे हालात थी? पीक पर थी। अच्छा। तब तो कोई ऊपर से नीचे तक सारा ही ऐसा, जब ऊपर वाले होंगे तो नीचे तो हो ही नहीं सकता ठीक, जब ऊपर से सख्ती होगी तो नीचे वाले भी आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड होते जाएंगे। अब तनख्वाहें इतनी बढ़ गई हैं, लोगों की ज़रूरतें तो बढ़ी हैं, पर उस हिसाब से पैसा भी बहुत बढ़ा है। अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करप्शन की, अगर जो हो तो। ऐसा तजुर्बा आपका रहा हो, आपको करप्शन फेस करना पड़ा हो, आपको वो देखना पड़ा हो, कोई ऐसा तजुर्बा रहा आपका? हाँ, वो तो जैसे ये बता रहे हैं कि बिजली ऑफिस में जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ ना कुछ पैसे दे के या वो बिल ऐसे भेज देंगे। अब हमारा इस महीने का बिल 35,000 आया, 35,000, जबकि 5-6,000 आता है, तो वो गलत है। पता नहीं कैसे, अब जाएंगे वो कहेंगे जी आप 35,000 जमा करा दो, ये आप एडजस्ट करेंगे, वो काटेंगे नहीं, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा ही कोर्ट्स में है, न्यायालय सबसे ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार न्यायालय में है। वो सामने जो आपका रीडर है वो पैसे लेते हैं, जज के सामने पैसे लेते हैं, और बताओ जज जो कोर्ट में इतना न्यायालय, जज के सामने मैंने देखा कि वो वहीं से पैसे लेके डेट देते हैं। वकील आएगा 500 रुपये पकड़ाएगा, उसको डेट लेके चलता बनेगा। अब वो है न्यायालय, ये हमारे भ्रष्टाचार का। सर क्या नाम है आपका? बंता सिंह, डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हरियाणा से। हिसार से बंता सिंह जी, तो बंता जी क्या कहेंगे, अभी ये जो समाज है सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? मेन कारण ये है जी, फसलों का न्यूनतम मूल्य दे दिया कि हम 4,000 में सरसों खरीदेंगे, और उसके लिए फर्द ले गया हो पटवारी से जागे ने, तब खरीदेंगे। पटवारी क्या है, फर्द हम ले के आएंगे, पटवारी के पास तो सारी चीज़ पहले ऑलरेडी है, तो उसको ज़मींदार को 3400 रुपये बेचना पड़ रहा है, और सरकारी मोल है 4,000, उसको 4,000 रुपये नहीं मिल रहे कि आपके किले में कितनी कण सरसों हुई है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा, कि 3400 रुपये मैंने सरसों बेची और गवर्नमेंट का भाव है 4,000 का, 4,000 खरीद नहीं रहे, तो ये सबसे और इससे फालतू के भ्रष्टाचार होगा। मैं नहीं बताऊँ, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, न्यू क्या बहुत अच्छी है, मगर यो जमींदारों के साथ में, किसानों के साथ में सबसे बड़ा धोखा है, अन्याय। यहाँ पर भी छापेमारी ज़रूर होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये जो काम वो चल रहा है। सरकार तो ज़रूर वादे कर रही है, लेकिन क्या वो ज़मीनी स्तर तक पहुँच रही हैं चीज़ें, उस पर भी ध्यान। अब उसके अंदर मैं फर्द लेने गया जाऊँगा, उसके ऊपर पटवारी क्या कहेगा, 100 रुपये दे भाई तेरे फर्द के, मेरे को 100 रुपये तो देने पड़ गए पटवारी को, ऐसे नहीं मिलती फर्द के, बैठ जा नहीं तो शाम को लीजिए, कल ले जाइए, शहर जाऊंगा मैं, मेरा काम खर्च अर्ज करूंगा, किराया लगे बस में बैठ के मैं जाऊंगा, सारा दिन वहाँ उनके बारण आके बैठे रहूँगा, तब जाके वो मेरे को फर्द मिलेगी, तब जाके मैं जींस बेचूँगा।
क्या 200-300 फर्द लेने में चले जाते हैं, क्यों गांव से जाता है, किराया भी लगता है। अच्छा सरकारी फीस फर्द की भी है, फिर आएंगे पटवारी दूंगा अगर साइन के पैसे दो मेरे को जब वैलिड है। ये बात सर कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर? हम पुलिस से। पुलिस से? हाँ जी। अच्छा पुलिस की कहते हैं कि छवि मेहनत करने के बावजूद, लोगों के इतने साथ खड़े होने के बावजूद छवि अच्छी नहीं हो पा रही है, आपको उसकी क्या वजह लगती है सर? छवि कुछ सुधार आया है और छवि अच्छी क्यों नहीं हो पा रही, हर टाइम इनका पब्लिक डीलिंग का काम होता है, पब्लिक डीलिंग में सभी काम है जो ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि कई एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस मौके पर जाएगी कर दो रोड जाम, पुलिस मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, कहीं कत्ल हो जा पुलिस वहाँ मौके पर होगी, पुलिस की गलती निकाल लेंगे, पुलिस करवाती नहीं है, हर एक घर में पुलिस नहीं रहेगी, इतनी पुलिस नहीं जो हर एक घर में रहे। आपको लगता है कि करप्शन को लेकर जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सुरक्षा विभाग हैं, उन पे भी थोड़ी सी लगाम और या कहा जाए कि कार्रवाई होनी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए, लगता है आपको? पुलिस से हैं आप, उसके लिए हाथ से जो मतलब छापे मारने लायक होगा उस पर छापे मारो, कोई भी हो चाहिए मारो, शक होता है कि गड़बड़ हुई है तो वहाँ छापेमारी की जानी चाहिए। तो जनाब आवाम की आवाज़ की यही खूबसूरती है कि आपको अनजाने लोगों की राय जानने का मौका मिलता है, आपको उनसे ये जानने का मौका मिलता है कि आखिर वो किसी भी मसले के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपने जाना कि आखिर करप्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हमसे भी होती है, हम अपना काम जल्दी चलाने के चक्कर में, जल्दी करवाने के चक्कर में कुछ पैसे देते हैं जो जिसकी मार कई और लोगों को भुगतनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इन विभागों पर छापेमारी जो CBI ने की सही तरीके से की और आगे भी होती रहनी चाहिए, ये लोगों की मांग है। तो जनाब ये मांग यूं ही बरकरार रहती है, लोग चाहते हैं कि करप्शन पर लगाम लगे और इसके लिए वो कदम उठाने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप कर्मचारियों को जो पैसे मांगते हैं उन्हें ना बोलने के लिए तैयार हैं? तो ज़रा सोचिए। तो जनाब फिलहाल आज के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।